स्टार्ट होगा, जो भी लोग मैं डाल दूंगा, अभी देखना भाई, एंजॉय करना कैसा लगा करंट फिटनेस का व्लॉग। वैसे एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है अपनी छोटी सी इंस्टाग्राम पे, एक चाचा फूतिए के साथ अब गए तो व्लॉगर बनाने लग गया। इसके काम को कैसे रोकूं, हरामजादा इंसान है वो, गेटवे ऑफ इंडिया, ये ताज होटल, नया ताज होटल भाई, यहाँ सारा इंतजाम भाई। अभी तो सब भाई होटलों में सो रहे होंगे अपना खाट से, शो का टाइमिंग होगा तो पैर के बाद होगा शाम को, रात के मेरे ख्याल 10-11 बज जाएंगे शो कराते कराते। फर्स्ट राम राम सारे भाई है ना भाई, आज एक व्लॉग शूट करेंगे भाई दोबारा से। एक व्लॉग मैंने एक दिन और शूट कराया था, वो व्लॉग शूट कराया था उस दिन जिस दिन अमित पंघाल और नितिन चंदेला भाई आए थे पुणे। अभी मैं जाऊँ भाई, ये रोड है आपका, मुंबई पहुँच गया हूँ मैं अमन क्लासिक के लिए। अमन क्लासिक गेट ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया बोल है ना, वो जगह दिखाऊंगा आप लोगों को। और CSMT रेलवे स्टेशन से उतर के अभी मैं थोड़ा पैदल चल रहा हूँ। ये जो रोड आप देख पा रहे हो ना, ये रोड सीधी चली जाएगी गेटवे ऑफ इंडिया, आगे से हम राइट किसी भी गली से किसी भी चौक से राइट होंगे, मरीन ड्राइव आ जाता है। और यही रोड भाई बिल्कुल सीधा जाओगे ना आगे जाके एक बड़ा सा फ्लाई ओवर है, सो क्रॉस करके नवी मुंबई पुणे चले जाते हैं डायरेक्ट। इस रोड से मोस्टली हर महीने 2-3 बार आना जाना रहता है, उसका कारण है यहाँ आगे जाके मुंबई हाई कोर्ट है। मुंबई हाई कोर्ट से भी मरीन ड्राइव भी पास है, गेटवे ऑफ इंडिया भी पास है, तो इधर से आना जाना लगा रहता है बाय रोड। तो 2 किलोमीटर है CSMT से रेलवे स्टेशन से गेटवे ऑफ इंडिया, मगर पैदल चलने का फील अलग है। सुबह सुबह का टाइम है, गेटवे ऑफ इंडिया पे क्या इंतज़ाम है अमन क्लासिक के फिलहाल, वो आप लोगों को दिखाऊंगा जाके। और ये गलियां देखो भाई यहाँ की मुंबई की, अभी खाली पड़ा है, संडे है, मैंने सोचा थोड़ा पैदल चलता हूँ और थोड़ा व्लॉग शूट करते हैं आज। वैसे तो आपने पता मैं व्लॉगिंग नहीं करता, पर आज मन कर रहा है भाई व्लॉगिंग करने का। देखो डबल बस जा रही है, ये आगे डबल बस जा रही है, डबल बस। तो भाई आप व्लॉग में बने रहना, कुछ चीज़ें मुंबई के आसपास की दिखाऊंगा। ये जो एरिया है इसमें आगे वो कोलावा वगैरह है, कोलावा जंग है, गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर ही मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर भी है भाई, चौराहे के ऊपर ताज होटल भी है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आसपास है, बहुत सारी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं यहाँ। और यहाँ पास में मैंने बताया मरीन ड्राइव है, एक वो स्टेडियम है जहाँ क्रिकेट होता है, सब आसपास है। पैदल घूमेंगे तो अच्छा लग रहा, सुबह सुबह का टाइम है। तो भाई इस व्लॉग को एंजॉय करना, बने रहना, आगे भी व्लॉग मैं बनाता रहूँगा चलते चलते। और थोड़ा पैदल घूम रहा हूँ, सुबह का टाइम है, अभी मस्त चाय और एक वड़ा पाव खाया भाई, जो कि मुंबई का या महाराष्ट्र में वड़ा पाव मशहूर है, इधर आओ तो ये जरूर खाना पड़ता है। तो बने रहना व्लॉग में भाई, पूरा व्लॉग शूट करेंगे आज। मुंबई की सड़कें देखो भाई, ये सुबह सुबह की जल्दी ट्रेन थी, पकड़ के पहुंच गए हैं अभी आपको मैं। ये इस साइड भाई समुंदर है और इस साइड भी समुंदर है, ये बीच में एक लाइन सी है ऐसे, इधर आगे जाके गेटवे ऑफ इंडिया, उधर मरीन ड्राइव, और ये रोड ख़त्म हो जाएगी लास्ट में कोलावा जाके, दी एंड हो जाएगा, नेवी नगर आ जाएगा लास्ट में, नेवी नगर। वहाँ भी नेवी नगर में भी मैं, मेरे चाचा की ड्यूटी है नेवी में, तो उनका वहाँ पे खुद के अपार्टमेंट है लास्ट में, दी एंड पे इस रोड के, नेवी नगर बोलते हैं उसको, कोलावा में ही आता है सारा एरिया मोस्टली, आस पास की जगह लिख भी रहा गेटवे ऑफ इंडिया, आगे जाके पास में ही अभी पहुँचते हैं भाई। कुछ और नज़र आएगा वो भी दिखाऊंगा, एक व्लॉग की तरह व्लॉग को शूट करेंगे भाई। डबल बस आ गई जो कि मुंबई में आज भी चलती है और भी इंडिया के बहुत से शहरों में डबल बस चलती है, दिखाऊंगा आपको नज़ारा। देखो डबल बस है, ये इलेक्ट्रिक है और ये आएगी अभी, है ऐसी डबल बस चलती है AC वाली। तो भाई डबल बस में भी टिकट लेके AC की बसें होती है, अपना मुंबई घूमना हो नज़ारे ले सकते हो। बाकी अभी चलते चलते इस व्लॉग को भाई एंजॉय करना, जैसा भी बनाना आएगा पूरा व्लॉग बनाऊंगा। और तुम्हें
वो सारी जगह जाके दिखाऊंगा। अभी सुबह सुबह घूमया तो मैं बहुत हूँ भाई, मुंबई में बहुत आना जाना लगा रहा है। बताया ना मैंने, महीने में दो बार तीन बार आता रहता हूँ। बाकी ऐसी ऐसी बिल्डिंग है पुराने टाइम की भाई, ये है मुंबई मेरी जान। ये रोड भाई एंड में चला जाएगा कतीन नेवी नगर, और ये चला जाएगा ऐसे मरीन ड्राइव, और इधर भी समुंदर है। ये है भाई भारतीय रिजर्व बैंक की बिल्डिंग इधर भी, और ये इधर भी है, नई बिल्डिंग बनी है इधर, ये ताले लग रहे, और ये पुरानी बिल्डिंग है भाई भारतीय रिजर्व बैंक की। और भाई दिल्ली के अंदर है, कनॉट प्लेस में है, कनॉट प्लेस में है भारतीय रिजर्व बैंक की ऐसे सेम ऐसी बिल्डिंग है जैसे ये है। और अपने सामने नई बिल्डिंग बन रही है, पुलिस वाला भाई मना भी कर रहा है कि हाँ भाई वीडियो मत बना, नहीं बैंक में डकैती ना लग जाए। तो सेम ऐसे कनॉट प्लेस में दिल्ली, वहाँ पे भी भाई रिजर्व बैंक की बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इधर मुंबई की बिल्डिंग ये है कनॉट, भारतीय रिजर्व बैंक की। और भाई अभी है संडे भी है और सुबह भी है ना, तो ये सारा रोड ना बहुत ट्रैफिक रहा है दिन भर। मैं हर बार इसी रोड से डायरेक्ट, मैंने बताया रोड सीधा आता है, हर बार ट्रैफिक में बहुत बुरी तरह फंसते इधर भाई। बाई रोड आते हैं गाड़ी लेगा बार 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 बार, और कभी कभी ट्रेन से भी आते बहुत बार। ट्रेन भी डायरेक्ट आओ भाई चर्च गेट, ट्रेन जो चर्च गेट का रेलवे स्टेशन है ना, अगर वहाँ उतरे तो वहाँ से तो और पास है पोर्ट भी और गेटवे ऑफ इंडिया भी। लेकिन इससे CSMT से 2 किलोमीटर का राउंड लग जाता है। एक बिल्डिंग आएगी अभी आगे लेफ्ट में, वहाँ पे फिल्मों की शूटिंग भी होती भाई बहुत। अभी आएगी वो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को फिल्मों में बहुत लिया जाता है। ये आई गई वो बिल्डिंग, अभी दिखाता हूँ आपको। ये बिल्डिंग देख पा रहे हो ना भाई, इस बिल्डिंग का बहुत यूज़ होता है फिल्मों की शूटिंग में, क्योंकि मैं पहले बहुत मुंबई घूम चुका हूँ। आज तो वही बात, अब तो घूमने का मन भी नहीं करता। ये जो बिल्डिंग है ना, इसको कभी कोर्ट बना देंगे फिल्मों में, कभी कुछ बना देंगे। ये बात करते करते ही आ गई है बिल्डिंग, क्योंकि मैं हमेशा पैदल तो पहली बार चल रहा हूँ यहाँ से। ये डबल बसों का नज़ारा लो, मस्त इनमें टिकट लो और भाई घूमो मुंबई। ये बिल्डिंग कह रहा हूँ भाई मैं, इस बिल्डिंग का फिल्मों की शूटिंग में बहुत यूज़ हुआ है। अभी इसको कुछ बना देंगे, कोर्ट बना देंगे, लाइब्रेरी है ये। ये बिल्डिंग देखो, ये छोटा कैमरा देखता हूँ, इस बिल्डिंग का जिक्र कर रहा हूँ भाई मैं। इसको या तो फिल्मों में बहुत फिल्म आया भाई इस बिल्डिंग को भाई। बाकी यहाँ सब ऐसे ही ओल्ड बिल्डिंग है, सारी पुरानी पुरानी, कुछ नई बिल्डिंग बनने लग रही है, कुछ इस तरीके का मामला है। आगे ऐसे धीरे धीरे आगे जाके गेटवे ऑफ इंडिया का चौराहा आ जाएगा बड़ा सा, ये वो बिल्डिंग है भाई। धीरे धीरे ब्लॉगर भी बन जाएंगे भाई, ब्लॉगिंग भी करने का मज़ा जब है, जब कुछ नई नई चीज़ दिखाई जाए डेली, सोना उठना घना उठना, सेम डेली वर्कआउट जिम करना। खैर ऐसा भी करते हैं लोग भाई, पर मेरे से नहीं होती ऐसे ब्लॉगिंग। आज मन कर गया मैं एक ब्लॉग शूट कर ही देता हूँ मैं भाई। शूटिंग कर रहे ऐसे होती है शूटिंग, तो किसी चीज़ की शूटिंग कर रहे हैं आगे, ऐसे होती है भाई शूटिंग मुंबई के रोडों पर होती रहती है। ये रोड से मैं जा रहा था, रोड पे शूटिंग कर रहे ऐसे भाई। चाचा को ऐसे होल्ड कर दिया है, शूटिंग चालू है भाई। छोटे मोटे रोल सीन भी मिल जाते हैं इधर, अगर किसी को करना है तो ऐसे यहाँ पे शूटिंग वगैरह भी होती रहती है भाई रोडों पे। मुंबई में मैं 2015 के आसपास रहा था, तो एक डेढ़ साल वो जगह थी मुंबई में, यारी रोड पे रहता था भाई मैं। तो उस टाइम मेरे सारे अड़ोसी पड़ोसी ये क्राइम पेट्रोल वगैरह में जो काम करते हैं ना हुए थे वो उस बिल्डिंग में जिसमें मैं रहता था पहले मुंबई में, यारी रोड पे। अंधेरी में है वो यारी रोड, अभी तो बहुत टाइम हो गया वो जगह गए। तो ऐसे ही यहाँ शूटिंग ना कहीं कहीं होती रहे भाई। यार मुंबई में बड़े बड़े जो मेन मेन टीवी एक्टर हैं उनकी तो कुछ वैल्यू सी है, बाकी तो ये छोटे मोटे काम सीरियल में करने वाले ऐसे ही घूमते रहे भाई, कोई नहीं पूछता इनमें। ये जो एरिया ना भाई, ये जो फौजी खड़े हैं ये
यहाँ से नेवी वाले ड्यूटी पर जाते भाई अंदर ड्यूटी पर, नेवी वालों के मेरे चाचा यहीं से ड्यूटी पर जाता था। तो ये जो एरिया जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे वो अलाउड नहीं होती वीडियो वगैरह, तो नहीं तो ये सब जो जा रहे हैं ना ये सब नेवी वाले बंदे हैं। ये पूरा इधर का एरिया है इस चौक पे, नेवी वालों की जो ड्यूटी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है भाई। ये जो पीछे खड़ा था क्योंकि मैं पता है मेरा चाचा यहाँ ड्यूटी करता था नेवी में नगर आगे, और जो भी नेवी वाले हैं उनकी ड्यूटी की एंट्री यहाँ से होती है समुंदर में जाने के लिए, और वो जो सबमरीन वगैरह होती है उसको भी तीन तीन महीने के लिए ड्यूटी पर जाते हैं भाई नेवी वाले। तो ये वो था आगे वो मेन चौराहा, बस पहुँच गया हूँ मैं गेटवे ऑफ इंडिया का, और मेन चौराहा भाई आगे ये रहा मेन चौराहा गेटवे ऑफ इंडिया का। तो बने रहो व्लॉग दिखाता हूँ भाई आपको। देख भाई अब पहुँच गए हम गेटवे ऑफ इंडिया का जो मेन चौराहा है ना उस पर पहुँच गया हूँ। इस चौराहे की तुम्हें कई सारी चीज़ें बताऊंगा भाई मैं, जिसने नहीं कभी कभी कोई भाई आया हो। ये देखो यहाँ से उधर गए मरीन ड्राइव आ गया गेटवे ऑफ इंडिया का, ये मेन चौराहा भाई, ये वाला चौराहा है ना बिल्कुल मेन है। ये जो मेरे लेफ्ट में ना ये जो मैं कह रहा हूँ ये है मुंबई पुलिस का भाई, इसका महाराष्ट्र पुलिस में मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर है ये रहा। अभी आपको बताता हूँ बात क्या क्या है। तो ये है भाई मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर। तो जो कमिश्नर होता है जब पुलिस वालों की बदली वगैरह होती है तो यहाँ आना पड़ता भाई इस हेडक्वार्टर में, ये मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर है। ये हो गया आपका मेन चौराहा भाई पूरा, अभी तो सुबह सुबह खाली पड़ा है। ये रास्ता गया भाई ये सीधा लेफ्ट में, ये जो जा रहा है कोलावा को दी एंड हो जाएगा इस रोड पर, जाके इस रोड का समुंदर आ जाएगा। तो अभी यहाँ से मैं जाऊँगा अभी आगे आके गेटवे ऑफ इंडिया आ जाएगा, और जो ताज होटल है वो बिल्डिंग अभी नज़र आओगी आप लोगों ने, अभी दिखाता हूँ मैं। ये थोड़े थोड़ा ये तो है नया ताज, ये जो बिल्डिंग नज़र आएगी अभी एक वो है न्यू ताज वो होटल ऊपर, और जो पुराना ताज है जिसमें वो और जो वो आतंकवादी हमला आया था ना मुंबई में एक बार इस रोड पर गजा के भाई, वो कोलावा में उतरे थे वो आतंकवादी आए थे कोलावा में। तो आप ये मान लो भाई इस चौक से थोड़ी दूर जाओगे तो मरीन ड्राइव आ जाएगा समुंदर पे जो दुनिया बैठी रहे, और इस चौराहे पे ये हो गया भाई मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर वो गेटवे ऑफ इंडिया सामने। ये जूम मारता हूँ मैं, वो गेटवे ऑफ इंडिया जहाँ पे शो होना है। तो ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ भाई, वहाँ की थोड़ी सी शूटिंग और करके ये व्लॉग मैं अपलोड कर दूँगा। ऐसे धीरे चल चल के 200 किलोमीटर था अपने कंप्लीट कर लिया मैंने, और ये सब भाई कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं इनके अंदर आमने सामने यहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, और यहाँ से एंट्री होती है भाई अगर आपको जाना है अंदर मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर है ये पूरा हेडक्वार्टर, यहाँ से सारा सिस्टम यहाँ से चलता है भाई, पुलिस वालों की ट्रांसफर लेखा जोखा कोर्ट कचहरी बहुत कुछ है अंदर। इसके अंदर भी मैं गया हुआ हूँ, अच्छी खासी कैंटीन है, जाते रहते भाई काम के लिए, और इनमें यहाँ नीचे ना रेस्टोरेंट्स वगैरह है इन बिल्डिंग्स में यहाँ, और वो सामने गेटवे ऑफ इंडिया आ गया भाई। चलते चलते बस ये सामने दिख रहा, ये जूम करता हूँ, ये गेटवे ऑफ इंडिया है, वो दिख रहा होगा आपको लेफ्ट साइड का वो गेटवे ऑफ इंडिया भाई। बस 50 रह गया, अभी देखते हैं क्या इंतज़ाम है यहाँ अपने बॉडी बिल्डिंग शो के, देखते हैं। यहाँ पुलिस वाला की चेकिंग होती है, ये है भाई सारा जैसा कि मैंने बताया। तो भाई दिन में तो पब्लिक आ रही है, ऐसे नॉर्मल पब्लिक का घूमने का चालू है, मेरे ख्याल शो होगा शाम को, और भाई मैं आ गया मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा जल्दी सुबह सुबह, शो शाम को होगा तभी पब्लिक आ रही है यार मस्त। ये देखो आप फुल पब्लिक आ गई इधर, तो भाई यहाँ से चेकिंग होती है भाई, और वो गेटवे ऑफ इंडिया है, ये नया ताज होटल है नया ताज, अभी आप बने रहना यहाँ चेकिंग होएगी अपनी। तो यहाँ अपना बैग ऐसे कोलावा पुलिस स्टेशन भी लगता है इधर, लगा
तो भाई जैसे उन्होंने बताया बॉडी बिल्डिंग का शो अपना यहाँ होना, ये देखो पोस्टर भी लग रहे ना गेटवे ऑफ इंडिया पर। अच्छा ये जगह तो इन्होंने गेयर रखी है भाई अपनी शो वालों ने, यहाँ होगा अपना शो पूरा। और ये पब्लिक के लिए घूमने के लिए जगह दे रखी, चारों तरफ घूम सकते हो गेट ऑफ इंडिया के, गेटवे ऑफ इंडिया के। ये है भाई वो ताज होटल जिस पर पहले हमला हुआ था, ये नया ताज है, ये पुराना ताज है। तो भाई हाँ यहाँ होगा ये अपना बॉडी बिल्डिंग का शो, यहाँ तो अभी भी अनाउंसमेंट सी कुछ तो चालू है। ये देखो अभी इंतजाम दिखाता हूँ क्या क्या है। पहुँच गए भाई शो के लिए, अलग से कवर कर रखी है ना तो भाई। हर पब्लिक के लिए इसके चारों तरफ से घूम सकते हो आप, पब्लिक के लिए ऐसे घूम सकते हो। कुछ इस तरीके का माहौल बना रखा है इधर थोड़ा सा ऐसे। देखता हूँ मैं कहाँ से क्या एंट्री है, अभी तो मैं आया हूँ भाई, सारा ताम झाम देखेंगे हम। हाँ ये देखो भाई यहाँ होगा अपना बॉडी बिल्डिंग का पूरा शो, यहाँ होगा फिर ये शाम में होता होगा भाई। ये देखो यहाँ होगा अपना शो, वे बूथ लग रहे सामने थोड़े बहुत से, और ये गेटवे ऑफ इंडिया हो गया भाई। तो पब्लिक आ रही है, ऐसा नहीं कि अभी पब्लिक बंद कर दी हो, शो तो शाम में होगा। देख लो गेटवे ऑफ इंडिया के हालात भाई, यहाँ तो पब्लिक चदरे बिछा कर लेट रहे भाई मस्त। देखो भाई संडे ना, स्कूल के टूर वाले भी हो सके भाई, ये चीज़ है। यहाँ होगा भाई शो मेन तो ना, इस टोलिक यहाँ शो होना है, और ये गेटवे ऑफ इंडिया भाई बस में। और भीड़ तो यहाँ हमेशा ही बनी रहा हमेशा भाई। स्टार्ट होगा जो भी लोग मैं डाल दूंगा अभी, देखना भाई एंजॉय करना कैसा लगा करंट फिटनेस का व्लॉग। वैसे एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है अपनी छोटी सी इंस्टाग्राम पे एक चाचा फूतिए के साथ, अब गए तो व्लॉगर बनाने लग गया, इसके काम को कैसे रोकूँ, हरामजादा इंसान है वो। गेटवे ऑफ इंडिया ये ताज होटल, नया ताज होटल भाई, यहाँ सारा इंतजाम भाई। अभी तो सब भाई होटलों में सो रहे होंगे अपना खाट से, शो का टाइमिंग होगा तो पैर के बाद होगा शाम को, रात के मेरे ख्याल 10-11 बज जाएंगे शो कराते कराते। फर्स्ट टाइम बता रहे भाई यहाँ शो हो रहा है, ये बॉडी बिल्डिंग का कभी शो हुआ नहीं, क्योंकि ये प्लेस ही ऐसी है भाई, ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ परमिशन लेना बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ कोई शो हो रहा ना बहुत बड़ी बात है, आप परमिशन लेके शो कराना, ऐसी हिस्टोरिक जगह है, क्योंकि यहाँ तो दिन रात भाई पब्लिक आती है देखने के। गेटवे ऑफ इंडिया और ये ताज होटल, इस पर हमला हुआ था भाई आतंकवादियों का। और थोड़ा दिखाता हूँ इसके पीछे सारा समुंदर है, आप लोगों ने वैसे भी पता नहीं होगा, जो मैंने बताया भाई ये एक रोड की लाइन सी है, इस साइड भी समुंदर उस साइड भी समुंदर, उधर वो मरीन ड्राइव है बीच में से रोड है, लास्ट में यहाँ उधर जाके कोलावा ख़त्म हो जाएगा, ये नेवी नगर आ जाएगा। तो भाई फिर से एक बार मैं तुम्हें 360 नज़ारा दिखा देता हूँ, यहाँ शो होगा, यहाँ ताम झाम होगा। और देखो वहाँ ऐड करने के लिए जिम की मशीनें भी लगा रखी है भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए भाई, ये तो म्यूजिक वाले हो गए इधर बोलने वाले, ये एक दो मशीनों की एड वैड के लिए जिम की मशीन भी लगा रखी है यहाँ। यहाँ देखो ये लगा रखी भाई यहाँ जिम की मशीनें थोड़ी बहुत, एक दो ब्रांड तो यहाँ कुछ ना कुछ आए होंगे ना, उनकी प्रमोशन वगैरह बूथ लगे हुए हैं सामने, कौन कौन से ब्रांड के लग रहे हैं मैं देखता हूँ भाई। तो मैक्स प्रोटीन का लग रहा है, स्ट्रॉन्ग नेशन ये ब्रांड के बूथ लग रहे हैं भाई यहाँ, ये देखो। हाँ ये कुछ दो चार बूथ लगा रखे हैं, ये प्रो पंजा वाला का बूथ, मसल ब्लास्ट, मैक्स प्रोटीन, स्ट्रॉन्ग नेशन, ये कुछ लगा रखे भाई, ये एरिया कवर कर रखा है इतना, देखो आप ये इतना एरिया कवर कर रखा है शो वालों ने। देखते हैं कितनी पब्लिक होगी शाम को भाई, खाली रहेगा या ज़्यादा ही भर जाएगा,
हम तो भाई वहाँ रहेंगे फ्रंट पे एकदम शो के टाइम पे वहाँ रहेंगे, देखते हैं अभी क्या रहने वाला है। तो भाई इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे ख़त्म, और ये देखना और बाकी शो का जो अच्छा व्लॉग रहेगा वो भी दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी चीज़ें मैं डालूंगा आज, तो आप देख लेना। तो इस शो को ख़त्म करते हैं, शो को एंजॉय करना, लाइक करना, शेयर करना भाई, थैंक यू।